शंभवाय च मयोभवाय च नम शंकराय च मयस्कराय च नम शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम षडांगतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः ओंकारम विदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारूकमिव बंधनादितो मुक्ष्य मामृतात्। गुरुजी, बरसों से मैं इस नाग नागिन को देव की भक्ति करते हुए देखता हूँ और हर पूनम को वो यहाँ पे हमेशा आते ही है। मुझे तो ये अचंभा लगता है। ये कोई सामान्य नाग नागिन नहीं है, पर इच्छाधारी नाग नागिन है। आज इनकी तपस्या को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ये पूनम के चंद्र के तेज में मानव स्वरूप धारण करेंगे। Thank you.
धीरे नहीं बजाऊं मैं तो प्रीत को जगाऊं, धीरे नहीं बजाऊं मैं तो प्रीत को जगाऊं, तू ठुमका लगा धीरे 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 बीन तू बजा ओ साजन, धीरे धीरे बीन तू बजा धीरे 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 बीन तू बजा। तेरी झांझर जब जब झनके मेरा दिल ये धक धक धड़के, तेरी झांझर जब जब झनके मेरा दिल ये धक धक धड़के, ओ मेरी दामिनी रूपवंती कामनी तू मुझको क्यों बहकाए, धीरे 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 बीन तू बजा ओ साजन, धीरे धीरे बीन तू बजा धीरे 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 बीन तू बजा। तेरे नैना पागल कर दे मेरे दिल को घायल कर दे, तेरे नैना पागल कर दे मेरे दिल को घायल कर दे, तू मेरे मन में बसी है दिल में नैनों में तू है, सांसों में बस जा धीरे 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 बीन तू बजा ओ साजन, धीरे धीरे बीन तू बजा धीरे 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 बीन तू बजा।
ये क्या हुआ अमर सेठ, ये क्या हो गया? महाराज, एक नागिन ने मुझे डस दिया है, पर वो सामान्य नागिन नहीं थी। मैंने उसे एक स्त्री के रूप में देखा था। उसके जहर की जलन मेरे शरीर में आग लगा रही है। होश में आओ अमर सेठ, होश में आओ। अभी मेरा बचने का कोई उपाय नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ, जाते जाते मेरी आत्मा पे एक ही भार है, और वो है मेरी एकलौती बेटी आशा की शादी की जिम्मेदारी। मेरी आशा का क्या होगा महाराज, मेरी आशा का क्या होगा? अमर सेठ, स्वामी बीजल, सरजू, क्या हुआ तुम्हें, क्या हो गया? सरजू 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 सरजू, क्या हुआ तुम्हें? सरजू क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? सरजू क्या हुआ तुम्हें? बीजल, हाँ, मुझे लगता है कि अपना साथ आवाज यही खत्म हो रहा है। नहीं सरजू, नहीं, वर्षों बाद मेरा जीवन शुरू हुआ नहीं हुआ, वहां तो ये सरजू मुझे छोड़कर चली गई और तू गूंगा होकर देखता रहा। अरे, हमारी वर्षों की भक्ति का ये परिणाम! भगवान, मेरी सरजू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने ये इतनी कठिन सजा दी? जानना है तुझे तेरी सरजू को किसने मारा? अरे, जिंदगी में जिसने जाने अनजाने में भी पाप नहीं किया हो, ऐसे पवित्र महान इंसान को तेरी सरजू ने आवेश में आकर उसे दंश दिया है। आप ही कहिए महाराज, कौन सी नागिन उसकी प्रणय लीला देखने वाले को माफ करती है? सरजू ने जिसकी जान ली वो महामानव था। अरे, चीटी जितनी छोटे जीव की भी चिंता करनार, वो महादेव का परम भक्त था। फिर उसकी सजा सामान्य नहीं होती है बिरजू। नहीं, नहीं, मैं मेरी सरजू के बिना नहीं जी पाऊंगा। भोलेनाथ, मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। इतनी जल्दबाजी मत कर बिरजू, इतनी जल्दबाजी मत कर। तेरी सरजू सारी शक्तियां गंवा चुकी है, पर उसकी आत्मा जीवित है। तुझे जो सरजू को वापस पाना है तो कठिन तपस्या से पार होना पड़ेगा। महाराज, मैं मेरी सरजू को पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। तो तू सुन, तेरी सरजू ने जिसकी जान ली है उसकी आत्मा पर चिंता का बहुत बड़ा पहाड़ था, जो तू उसकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उसकी बेटी का जीवन सुखी करेगा, पूरे तरीके से सुखी करे, और उसको मंदिर में लाकर उस बेटी की परछाई इस नागिन पर पड़े, तो ही तू तेरी सरजू को वापस पा सकता है। कसौटी कठिन है, पर तू इच्छाधारी नाग है, तू चाहे वो कर सकता है। हाँ महाराज, मैं अपने सरजू को पाने के लिए आग के दरिये पर चल जाऊंगा। हाँ, भगवान भोलेनाथ त्रिलोकधारी तेरी इच्छा पूर्ण करे। देखना क्या बात है, गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? अरे, पंचर हो गया है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि सब कुछ चेक करके निकलना, अब क्या करेंगे? अब क्या होगा, टायर बदलने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। स्टॉप 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 स्टॉप, गाड़ी रुको,
भैया जरा मदद करेंगे? थोड़ी थोड़ी क्या, पूरी मदद करेंगे। बोलो क्या तकलीफ है? टायर बदल दोगे? क्या मजूरी दोगी? आप क्या गैरेज वाले हो? समय के मुताबिक मजदूरी तो लेना पड़ेगा ना। मजदूरी आप जो बोलोगे वो दूंगी, पहले टायर तो बदल दो। हम तो रोकड़ा मजदूरी लेंगे, वो भी पहले। नहीं नहीं नहीं, छोड़ मुझे, छोड़ो, भागो, बचाओ बचाओ, आ जाएगी, आ गया, छोड़ना मत आज इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। पर आप दोनों इस वीराने में अकेले? आज पहली बार ऐसा हुआ है। जीवन में बहुत सारी घटनाएं पहली बार ही घटती हैं, पर वो हमेशा याद रह जाती हैं। आप अच्छे इंसान दिखते हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिरजू है, मैं शहर की तरफ जा रहा था। हम भी शहर में ही रहते हैं, चलिए हम आपको रास्ते में छोड़ देंगे, मगर उससे पहले आपको हमारा टायर बदली करने में मदद करनी पड़ेगी। आपके जैसे बहादुर को शहर में आराम से नौकरी मिल जाएगी। ऐसा? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल पता है। और अगर आपको नौकरी ना मिले तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको कहीं पे भी नौकरी दिला दूंगी। रूपा, हाँ कहीं और क्यों, अपने घर में ही नौकर की जरूरत है, तो समझाना। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हमारे घर में ही एक जगह खाली है। माफ करना, मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों, कोई खास वजह? हाँ, मैं अपने खास काम के लिए जा रहा हूँ, और जब तक वो बुरा नहीं हो जाता तब तक मैं दूसरी नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मगर हमारे घर चाय तो पीते जाओ। आपको अगर ऐसा लगता है तो चलिए आइए आइए आइए, अंदर आइए। रूपा, हाँ? गंगा को चाय बनाने के लिए कहना। ओके बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ये तस्वीर किसकी है? मेरे पापा की फोटो है, वो पद यात्रा की चारधाम की यात्रा पे गए हैं। जो तू उसकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उसकी बेटी का जीवन सुखी करेगा, पूरे तरीके से सुखी करे, और उसको मंदिर में लाकर उस बेटी की परछाई इस नागिन पर पड़े, तो ही तू तेरी सरजू को वापस पा सकता है। कहाँ खो गए आप? मैं आपके यहाँ
नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अरे, यहाँ आने के बाद आपकी सोच क्यों बदल गई? मुझे लगता है आपके यहाँ रहकर अपना फर्ज पूरा कर पाऊंगा। अरे नहीं नहीं ओ, 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 क्या धनसुख सेठ, पकड़े गए ना? पैसे देने पड़े इसलिए भागते फिरते हो। पर सुन लो, ये रवि पाताल में से भी आदमी को ढूंढ निकालता है, समझा? रवि रवि मुझे माफ कर, मैं अभी थोड़ा तकलीफ में हूँ। मैं जब से तुम्हें जानता हूँ तब से तुम तकलीफ में ही हो, और फिर भी मैंने तुम्हें पैसे उधार दिए और अब मुझे अपने 10 लाख रुपए वापस चाहिए। अभी तो सभी जगह पे मेरे पे कर्जा चढ़ गया है। रवि कहाँ गया, कहाँ गया? रवि रवि मुझे एक मौका और दे। रवि 8 दिन में तुझे कहीं से भी पैसे लाके दे दूंगा। 8 दिन में? लेकिन चाचा हाँ, तुम्हारी जो दानत होती ना, तो तुम सिर्फ मेरा ही नहीं पर रातों रात सबके पैसे दे सको ऐसे हो। रातों रात मतलब मेरी कोई लॉटरी लगने वाली है? मेरे पास कोई टिकट नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं पर ब्लाइंड चेक है और उसमें तुम चाहो जितनी रकम भर सकते हो। कोरा चेक? कौन से चेक की बात कर रहे हो? हाँ, आशा, तुम्हारे बड़े भाई की एकमात्र लाडली बेटी आशा। रवि वहाँ से मुझे 1 भी रुपया नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैंने कितना लिया वो मुझे भी याद नहीं है, और मेरे भाई की गैर हाजिरी में तो बिल्कुल नहीं। परंतु चाचा, पैसे तो मैं वसूल कर लूंगा, आप सिर्फ मेरी और आशा की शादी करवा दो, फिर तो मैं तुम्हारे लिए सुख और शांति। वाह गुरु वाह, 10 लाख के बदले 10 करोड़ की जायदाद हजम करना चाहते हो? हाँ, दुनिया में तो अकेला ही सहना है, और कोई नहीं है क्या? तुम चिंता नहीं करो धनसुख चाचा, तुम्हारा भी आधा हिस्सा इसमें रहेगा। 50-50। हाँ, 50-50। अब लॉटरी लगी। अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो जानबूझ के तो आप मुझे नरक में नहीं धकेलते। बेटी, तू मेरी बेटी से भी बढ़कर है। भले ही मैं तेरा चाचा हूँ, पर तेरे पिताजी को मेरे सिर्फ बड़ा भाई नहीं समझता हूँ, पर वो तो मेरे पिता समान है। तो फिर रवि के साथ मेरी सगाई करने की आपको कैसे सोची? अरे आशा, जरा बुद्धि से विचार कर। रवि जैसे पैसे वाला और बुद्धिमान लड़का अपनी पूरी बिरादरी में कहीं नहीं मिलेगा तुझे, और पूरे शहर में अमीर घराने में रवि भी एक है। और पूरे शहर में बदमाश और कमीना सिर्फ रवि ही है, ये आपको पता नहीं है? मुझे पता है, पर बड़े घरों में एक दूसरे पे कीचड़ लोग उछालते रहते हैं, इसलिए उसके मन में थोड़ा आक्रोश होगा। पर उसके जैसा दिल का साफ और सज्जन आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं उसे अभी मिल के आया हूँ और तेरी सगाई की बात भी करके आया हूँ। मगर पापा के एब्सेंट में आप कैसे बात कर सकते हो? आपको जो भी डिसीजन लेना है वो पापा के आने के बाद ही डिस्कस होगा। ओहो, आजकल की लड़कियों को किस भाषा में समझाओ यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब तेरे पिताजी गए थे ना, तब मुझे कहकर गए थे अगर रवि मान जाए तो मेरे आने से पहले उसकी सगाई कर देना। लेकिन पापा ने इस बारे में कोई बात की ही नहीं है। तेरे पापा ने जब पूछा था तब रवि तैयार नहीं था, उसे महा मुश्किल से तैयार किया, समझी के नहीं? अगर तेरे पापा का मान रखना है तो रवि से सगाई कर ले, कल रवि और उसके घर वाले तुझे देखने आ रहे। मगर चाचा, पर और कुछ नहीं चाहिए, देवता जैसे मेरे बड़े भाई का आदेश का पालन करना ही होगा, समझी? कोई भी बहाना नहीं चलेगा। हाँ, आज का प्रोग्राम 5:30 बजे का है और आप देख सकते हो एक गुजराती पिक्चर फिल्म राजकुमार, जिसके मुख्य कलाकार हैं नरेश कनोड़िया, सुषमा वर्मा, दिग्दर्शक है सुभाष भाई शाह, संगीतकार महेश नरेश। इसके बाद आप सुनेंगे 7:20 को हिंदी में समाचार, और समाचार के बाद तू बस बैठकर टीवी देखते रहे और मुझ पर जो मुसीबत के पहाड़ गिरे हैं वो तुझे नहीं दिखता। अरे ऐसा तो क्या होगा कि मुंह फुलाकर घूम रही है? अरे रूपा, रवि के साथ मेरी शादी करने के लिए धनसुख चाचा एक पैर पे खड़े हैं। अरे रवि तो गुंडा मवाली से भी बड़ा कमीना है, वही तो मुझे टेंशन है। पापा भी घर पे नहीं है और ऊपर से ये चाचा को कौन समझाए? तो फिर अब रास्ता क्या? रास्ता मुझे एक रास्ता मिल गया है, मामा के घर का। मगर तेरे मामा की बात धनसुख चाचा कभी नहीं सुनेंगे। मगर मामा मुझे अपने घर में तो रख सकते हैं ना, मगर कितने दिन रखेंगे?
पापा जब तक नहीं आते तब तक मैं कैसे भी करके वहीं रह लूंगी। तू भी मेरे साथ चल। मगर धनसुख चाचा को पता चला तो सब भांडा फूट जाएगा। कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे, किसको पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ हम दोनों की बात। हम चल रूपा, जल्दी चल। मोती, मैं भी जानता हूँ कि सुबह हो गई है और तेरी और मेरी पेट पूजा का बंदोबस्त करना है। चल भाई आकाश, चलो चलते। हाँ भाई हाँ, मुझे लगता है कि तुझे भी सुबह होते ही भूख लग जाती है। अरे पहले मैं तेरे खाने का बंदोबस्त करूंगा और फिर काम पे जाऊंगा। हाँ अब तो शांति रख मेरे भाई, चल। गाँव के लोग कैसे हैं? रास्ता ही बंद कर देते हैं। ये घोड़ा भी गधे जैसा है, हॉर्न बजा बजा के थक गए लेकिन हटता ही नहीं है। ए, गिव मी साइड, एक बाजू हटना भाई, प्लीज हट। ओफो, मुझे कार चलाना आता है मगर ये घोड़ा गाड़ी चलाना नहीं आता। मुझे लगता है इसका स्टीयरिंग भी मुझे ही संभालना पड़ेगा। अरे 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 रुक जा रुक जा, अरे अरे रुक जा रुक जा। अरे इसका ब्रेक कहाँ है? शायद पीछे होगा। हे भगवान। ले भाई मोती, ये तेरा हा? मोती? मोती मोती, ये कहाँ चला गया? ये गाड़ी, मेरा मोती कहाँ चला गया? अरे कोई है भाई, कोई है? कोई नहीं है। रूपा कहाँ है? मोती कहाँ है? मोती? कौन मोती? कौन रूपा? मैं मेरी सहेली रूपा की बात कर रही हूँ जो मेरे साथ थी। मैं अपने मोती की बात कर रहा हूँ जो मेरी घोड़ा गाड़ी चलाता है। मतलब आपका मोती और तुम्हारी रूपा दोनों जन भाग गए? ना, मेरा मोती ऐसा नहीं है। एक मिनट। ब्रेक लग गई। अरे 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 रुक जा रुक जा, अरे अरे रुक जा। हे भगवान, क्या हो रहा है ये? अरे रूपा, तू कहाँ चली गई थी? ठीक तो है ना तू? अरे जाने देने यार, मैं घोड़ा गाड़ी को हटाने गई और घोड़े ने मुझे ही हटा दिया। बड़ी मुसीबत से पीछा छुड़ा। वाह भाई वाह, वाह मोती वाह, ये क्या है सब? अरे इस तरह कोई अकेली लड़की को भगाता है? ये तो अच्छा है कि लड़कियां भली हैं, नहीं तो आज मेरी इज्जत। ए भाई, दया रखना मुझ पर। मेरी सहेली तो आ गई मगर आपका मोती? ये रहा मेरा साथी मोती। तो इसका नाम मोती है? हाँ।
दत्त तेरे की। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपका और आपके मोती का हूँ। चल चल, अपने को लेट हो रहा है, अभी तारती क्या है, चलना। रवि, रवि आशा कहीं भाग गई। क्या आशा भाग गई? हाँ रवि। धन शुक्लाल, मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश की ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं। रवि नहीं, मैं सच कहता हूँ, मेरे पे विश्वास रखो, मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली। आशा को ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, उसे तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। मामी, मामी। अरे आशा बेटी। आ बेटा, क्या बात है, आज अचानक भांजी को मामी का घर याद आ गया? पापा यात्रा पे गए, तब से मुझे मामी का घर याद आ रहा था। घर में अकेले बहुत ही कंटाला आ रहा था, जब तक पापा नहीं आते तब तक मैं यहीं पे रहूंगी। अरे बेटा, ये तेरे मामा का ही घर है, और अगर तुझे जाना होगा ना तो भी नहीं जाने देंगे। हाँ, मेरे लिए इतना प्यार है तो फिर आते क्यों नहीं मुझे मिलने? तेरे मामा का ऐसा है ना बेटा, इस गांव को छोड़कर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। ये गोकुल गांव ही ऐसा है, ये हमारी भांजी को ऐसा पसंद आएगा, ऐसा पसंद आएगा कि शहर में जाने का नाम ही नहीं लेगी। हाँ बस मोती, बस बस, रुक जा रुक जा। माँ जी, ये आ गया दवाखाना। फिर ऐसा हुआ ना कि हम लोग ऐसे। हाँ बेटा, ले ये पैसे। बेटा बोल के पैसा देने की बात कर रहे हो? अरे माँ जी, पैसे अपने पास रखो, दवा दारू के लिए तुम्हें काम आएंगे। जब मेरे चाचा अच्छे हो जाएंगे ना, तब मैं समझूंगा कि मेरे पैसे मुझे मिल गए। बेटा भगवान तेरा भला करे। आइए जरा संभल के चाचा, आइए माँ जी। देख रूपा। हाँ चल। हमें घूमने जाना है, हमें ले चलेंगे? हाँ हाँ चलो चलो, कहाँ जाना है? हम तो शहर से आ रहे हैं, हम तो गांव में अनजान है, यहाँ घूमने के लायक क्या क्या है? इस गांव के आसपास तो बहुत देखने लायक है। हाँ। आम का बगीचा, तालाब, नदी, मंदिर। हाँ। बोलो कहाँ जाना है? आपकी जो पसंद की जगह हो वही ले चलिए। तो चलिए। नहीं नहीं आशा, तू आगे बैठ। मैं? हाँ ओके। वाह, बहुत ही सुंदर जगह है, चारों तरफ हरियाली है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है, और गांव के लोग मुझे अक्कू के नाम से भी बुलाते हैं। माँ बाप ने मुझे आकाश का नाम देकर ये फानी दुनिया छोड़कर चले गए, और आकाश मेरी छत्र छाया बन गया। सॉरी, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप अकेले ही हो। लोही के संबंध से कोई भले ही नहीं इस जगत में, मानवता के लिए पूरा जगत है मानव का। वाह, आप बहुत ही प्यारी बातें करते हैं, आप कितने पढ़े हो। समय और संजोग जो सिखाते हैं वो ज्ञान नहीं मिलता पोथी पुराण में। लगता है मैं ज्यादा बोल गया।
आपके बारे में तो पूछना ही भूल गया। मेरा नाम आशा है और मेरा नाम रूपा है। आज सच में घूमने का बड़ा मजा आया। मुझे पर बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ तय कर। बाकी तो रोज मुसाफिरों को ले जाना और छोड़ देना। समय की गाड़ी इस घोड़ा गाड़ी के साथ कहाँ घूम जाती है ना, वो तो पता ही नहीं चलता। आप कब तक ऐसे ही जीवन बिताएंगे? समझदार जब से बना हूँ तब से तो मेरी जीवन की गाड़ी ऐसे ही चल रही है, और कदाच मौत ना आ जाए। फिर कभी ऐसा मत बोलना। हाँ आकू, आइंदा मेरे सामने मौत की बात मजाक में भी मत करना। आशा, हम दोनों बादल के उस पार हैं जहाँ तुम और मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं? हाँ आशा। अरे रे मोती, तूने ये क्या किया? मुझे भरनिंद में से जगा दिया। अरे पर तुझे कहाँ पता चलेगा कि मैं तो सपनों की देवी के साथ स्वर्ग में घूम रहा था। अब तो मोती रात दिन उठते बैठते जहां नजर करता हूं वहां बस आशा ही दिख रही है यार। अब तो भाई मोती, आशा मेरे दिल में ऐसे बैठ गई है कि मेरे दिल की एक एक धड़कन बस आशा का ही नाम लेती है। पर यार, आशा को मैं जितना प्रेम करता हूं उतना प्रेम वो मुझे करती होगी? बोलना, पर तू क्या बोलेगा? मन तो चाहता है पूछना उसे कि मेरी जगह तेरे दिल में है कि नहीं, पर वो जब आती है नजर के सामने कि मैं खो जाता हूँ उसकी प्यारी नजरों में सब कुछ भुलाकर। मुझे भी कुछ ऐसा ही फील होता है जब भी तुम मेरे सामने आते हो, होश ही गुम हो जाते हैं। आशा, अरे कोरी नाचे छनन छनन मोर बोले ओ मेरी रानी मेरी दिल जानी आ मेरे संग खेल आंख मिचोली। नाचे रे तन देखो नाचे रे मन, नाचे मेरा तन मन नाचे मेरा यावन और सजन तू नजर तो मिला। अरे कोरी नाचे छनन छनन मोर बोले टूटे हो। Thank you.
आंचल को मोर बोले तेहू तेहू अरे गोरी नाचे छनन छनन चमके हाय बिजली जो चमके रे दिल धड़के जाए क्या क्या होने लगा दिल धड़के जाए रे जादू जो तूने चलाया रे अरे कोरी नाचे छनन छनन मोर बोले तेहू तेहू हो गोरी नाचे छनन छनन मोर बोले टेहू टेहू रवि तू यहाँ क्यों चौंक गई ना इधर तो क्या पर तू सात समुंदर पार करके भी जाएगी ना तो मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा लेकिन तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है तेरा मेरा क्या संबंध संबंध है अच्छा तू अच्छी तरह जानती है कि तेरी और मेरी शादी होने वाली है और फिर भी तू इस दो कौड़ी के आदमी के साथ घूमकर घर की इज्जत उछाल रही है रवि मुंह संभाल कर बात करना जिसे तू दो कौड़ी का कह रहा है वो मेरा जीवन साथी है और मेहरबानी करके तू हमारे बीच में आने की कोशिश मत कर आशा मैं तेरा सिर्फ प्रेमी ही नहीं तेरा होने वाला पति भी हूँ और आज मैं तुझे यहाँ से लेके ही जाऊँगा देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है आशा को तुम नहीं ले जा सकते रवि को कोई ललकाता है तो समझ जाना कि उसकी मौत उसे ललकार रही है जा बेटा जा तेरे खेलने के दिन है खेलता रहे नहीं तो जिंदगी से तुझे हाथ धोने पड़ेंगे जिंदगी और मौत तो प्रभु की देन है पर आशा को हाथ लगाने का परिणाम तू अब देख ले आशा इसे प्रेम करती है मगर फिर भी वो आशा को प्रेम करता है कि नहीं उसके लिए
मुझे इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। आकाश, तुम्हारा नाम है? हाँ साहब, मेरा नाम आकाश है। मेरा नाम ब्रिजेश है। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, बैठिए। झोपड़ी जितनी मामूली है उतने ही झोपड़ी में रहने वाले के विचार ऊंचे हैं। इंसान को हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। तुम रहते हो झोपड़ी में पर सपने महल के देखते हो। नहीं साहब, नहीं, जमीन पर सोने वाला कभी आसमान को नहीं छू सकता। तुम मेरे विचार से लगते हो ज्यादा समझदार हो, फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं सके। मुझे पहचानने में तुम भूल कर रहे हो सेठ। अरे जीवन में मैंने कितने ही मुसाफिरों को मुकाम पर पहुंचाया है, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई रास्ता नहीं कि जिसे मैं भूल जाऊं। तो फिर आशा के साथ प्रेम के मार्ग पे चल रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी भूल है? कहां आशा और कहां तुम? हम दोनों के बीच में आने वाले की पहचान मैं जान सकता हूं? मैं आशा का शुभचिंतक हूं। मुझे लगता है कि तुम आशा के साथ नहीं उसके पैसे से प्रेम करते हो। मैं तुम्हें आशा को भूलने के लिए जीवन भर न खत्म हो उतना धन देने के लिए तैयार हूं। देखा, हीरे जवेरात के तेज से तुम्हारी ये झोपड़ी सोने के महल की तरह चमक उठेगी। पर सेठ, ये हीरे जवेरात का तेज हमारे प्रेम के सामने एकदम फीका है। किसी अनुभवी ने सच कहा है कि गरीब पैसे की कीमत को कभी नहीं समझेगा। अभी भी तुम सोच सकते हो कि इतने बड़े खजाने को ठोकर मारने की हैसियत तुम्हारे अंदर है कि नहीं? हैसियत? जो आप हैसियत की बात करते हो सेठ, तो यही तुम्हारे पत्थर के टुकड़े मेरे झोपड़ी का एक तिनका भी नहीं खरीद सकते। और तुम मुझे खरीदने आए हो? इतना बड़ा घमंड कौन से मिट्टी के बने हो? तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास? मेरे पास हमारे प्रेम का अनमोल खजाना है सेठ। दुनिया की तमाम मिल्कत से भी हमारा प्रेम बहुत कीमती है, और अब तक तो दुनिया की कोई भी ताकत प्रेम को खरीद नहीं सकी। फिर कभी तुम यहां आने की भूल मत करना। मुझे लगता है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। हाँ, मुझे मेरा जवाब मिल गया। हेलो धनसुख चाचा, यहाँ पे बहुत गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? आशा मिली क्या? नहीं। अरे आशा तो मिल गई, पर आशा को यहाँ एक प्रेमी मिल गया है, इसलिए वो वापस नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मेरी भतीजी भाग गई, पर आशा अभी तेरा चाचा आ रहा है, तेरी खैर नहीं है देख। हाँ भगवान, नाग देवता क्षमा करो, नहीं मर गया। भगवान मर गया। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। रुक जा, रुक जा, अभी मैं तुझे। भगवान कहाँ जाऊँ? अरे जाने का कोई रास्ता नहीं, बाहर ही भाग जाता हूँ।
घर में इतने सारे सांप आए कहां से? हे भगवान, जान बच गई। नहीं, सांप, सांप, सांप। आकाश, क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे पूछती हूँ। आज अचानक क्या हो गया? आज नहीं, पर जब भी मैं अकेला होता हूँ ना आशा, तब एक ही सवाल मेरे दिलो दिमाग में घूमता रहता है। तुम अकेले नहीं हो आकाश, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बताओ क्या प्रॉब्लम है? अरे तेरा और मेरा साथ कितने दिनों तक चलेगा? कहाँ तू और कहाँ मैं? तेरे पास सब कुछ है आशा, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बस करो आकाश, बस करो। पैसे के तराजू में हम अपने प्यार को नहीं माप सकते हैं, ये तुम क्यों भूल गए? पर तू सत्य हकीकत और परिस्थिति को क्यों नहीं समझ रही? मैं तो सब समझ रही हूँ, मगर तुम मुझे नहीं समझ रहे। अरे पैसों की इतनी ख्वाहिश होती तो रईस लड़के मेरे घर से वापस नहीं लौटते। नहीं लौटते आकाश, मेरे जो दिल की इच्छा थी वो तुम्हें पाने से पूरी हो गई है। अब उस पर तुम अमीर गरीब की दीवार मत चुनवाओ। आशा, आकाश, मामा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि समाज में मेरी कितनी इज्जत है। हाँ। और मेरे जैसे खानदानी आदमी का रिश्ता ठुकराकर आशा आकाश जैसे आलतू फालतू लड़के के साथ घूमकर हाँ। तुम्हारे परिवार का नाम तो बदनाम कर रही है। पर रवि, तुझे यकीन है कि आशा आकाश के साथ? अरे मामा, तुम जानने की बात करते हो। मैंने मेरी इन सगी आंखों से देखा है और फिर भी तुम नहीं मानना चाहते हो, तो आशा आएगी तो उसे पूछ लेना ना तुम। तो फिर मुझे आज ही आशा के सामने इस बात की सफाई लेनी पड़ेगी। हाँ? लो, ये आ गई आशा। बेटी आशा, तू खुद ही इतनी समझदार है, इसलिए मैं तुझे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आशा, हमें हमारी औकात के हिसाब से रहना चाहिए, तब तेरी रहे। मैं समझ गई मामा, इस रवि ने ही आपके कान भरे हैं। फिर भी आप इतना ही विश्वास रखना कि मैं कभी गलत कदम नहीं उठाऊंगी कि जिससे हम सबके आबरू को कलंक लगे। बाकी रही बात आकाश की, तो उसके जैसा सज्जन और संस्कारी आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आशा, तू समझने की कोशिश कर। अभी आकाश में तुझे जो कुछ भी दिखता है ये सिर्फ ऊपर से दिखावा है और कुछ नहीं। और हकीकत में उसे तेरे में नहीं, तेरी जायदाद पर और तेरे अमीरी में है। तू चुप बैठना चमचे, मैं अपने बामा से बात कर रही हूँ। हाँ। उसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मगर रवि की बात बिल्कुल ठीक है, आकाश के साथ तुम्हें कोई भी संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, और आज के बाद आकाश को हमेशा के लिए भूल जाना, समझी? ऐसा कभी नहीं होगा मामी। आशा, तू बहुत ज्यादा बोल रही है। आज ही मैं धनसुख लाल को बुलाता हूँ, वही तुझे गलत रास्ते में जाने से रोक सकते। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता है मामा, कोई नहीं। क्या आप खेलते हुए बादल को रोक सकते हो? सागर को मिलने वाली नदी को रोक सकते हो? तूफान और बारिश को रोक सकते हो? तब मुझे भी रोक लेना। मामा, आशा पर आकाश के प्रेम का भूत सवार हो गया है, और अब इसे धनसुख चाचा ही उतार सकते हैं। पर मैंने उन्हें फोन किया था, पर वो आए क्यों नहीं? अब मैं फिर उन्हें फोन करके बुलाता हूँ। बुला ले। ओ मेरे बहरी साहब, किस जन्म का बदला ले रहे हैं? किसने पकड़ा, किसने पकड़ा? मैं डॉक्टर डांडिया वाला। कौन डॉक्टर? जांगिया वाला। जांगिया वाला नहीं, डांडिया वाला। जांगिया वाला डांडिया वाला सब एक ही तो है। जरा देखिए, जरा देखो भाई, देखो। देखता हूँ, देखता हूँ। शांति रखो। बहुत रखी, सब कुछ हो रखने का सवाल नहीं है। बहुत बोलते हो। ए साहब, मेरा पीछे छोड़। ए मेरे बाप, ये हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे धनसुख, साहब के बाप नहीं, ये तो टांगिया वाला हूँ, और मेरे हाथ में टेलीस्कोप है, कोई साहब बाप नहीं है। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर वो साहब है।
हेलो, कौन? धनसुख चाचा? ना, मैं रत्ते डांडिया वाला बोल रहा हूँ। कौन डांडिया वाला? ये धनसुख काका के घर का ही नंबर है ना? हाँ। तो फिर उनको दो ना फिर। देता हूँ, तुम मेरे पे क्यों गरम हो रहे हो यार? लो, धनसुख तुम्हारा फोन। डॉक्टर, आपके हाथ में फोन नहीं, सांप है। सांप है? हेलो, हेलो धनसुख चाचा, हेलो। पर धनसुख काका, तेरी मर्जी के विरुद्ध रवि के साथ तेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो इतना पता है कि अगर रवि ने फोन कर दिया तो चाचा जल्दी आ जाएंगे और मुझे ले जाएंगे। मैं हूँ जब तक तुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तू चिंता नहीं कर, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तू चिंता नहीं कर, मैं इस समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ आशा। हाँ आकाश। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। रवि, रवि, वो सांप से मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। सांप तुम्हें मार देगा? हाँ। ए धनसुखलाल, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। मेरा कुछ ठिकाने पे नहीं है। वो सांप ने मेरा सब कुछ हिला के रख दिया है। वो सांप से मुझे बचा ले भाई। हाँ, तुम्हें तो मुझे बचाना ही पड़ेगा धनसुखलाल, नहीं तो आशा के साथ मेरी शादी कैसे होगी? मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक को ढूंढ निकालता हूँ, जो तुम्हें सांप, अजगर, मगरमच्छ के जो कुछ भी हो, उन सब से मुक्ति दिलाता हूँ। चलो चलो चलो, हाँ, चलो 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 चलो। ओम ह्रीम क्रीम कालिका, ओम ह्रीम क्रीम कालिका, ओम ह्रीम क्रीम। डरो नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। अरे कौन सी जगह ले आया तू मुझे? सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। समाधि में बैठे, चलो चलो ना, बाद में आते। महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, 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 ओ महाराज। कालिका, मुझे समाधि में से जगाने वाले कौन हो तुम लोग? कौन है हम लोग? बाबा, अरे तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा, हमें एक भयंकर सांप हैरान कर रहा है। बैठते, उठते, सोते, हमको सांप ही दिखाई दे रहा है। चुप, भैरवनाथ से तो डर के भूत भाग जाते हैं, तो सांप की क्या ताकत? पर महाराज, मुझे जो सांप डरा रहा है ना, वो सांप से मैं इतना डर रहा हूँ ना कि उतना तो मेरे बाप से भी नहीं डरता था। मुझे लगता है कि मेरा बाप ही सांप बन के आ गया है। तुम्हारा बाप निश्चित अकाल मृत्यु को प्राप्त। बकवास बंद करो और तुम्हारा कष्ट कहो। मेरे पास तुम्हारी फालतू की बात सुनने का समय नहीं है, समझे? महाराज माफ कर दो, महाराज हमसे भूल हो गई। मुझे बचा लो, मैं दूर हूँ। बचा लो महाराज, आप भैरवनाथ के द्वार पे खड़े हो, चिंता मत करो। त्रिकाल, इसका दुख दूर करने वाला काम मैं तुझे सौंप रहा हूं। इस तावीज में ऐसी शक्ति समाई है कि सांप इसे छूते ही के उसके पूरे शरीर में जलन की अग्नि जलेगी। ले ये तावीज और पहन ले। जब तक ये तावीज तेरे गले में रहेगा, नौ कुल के नागों में से कोई भी नाग तेरे नजदीक भी नहीं आ सकते। लाइए, इसे मैं जान से भी ज्यादा संभालूंगा। जय त्रिकाल। गोपाल आया देखो रे, गोपाल आया देखो रे। देखो रंगीले राती, नाचो सखी मेरे, नाचो रे।
खेलने आना रे हो। आज रंग भरे रात में मैं राधा को ढूंढूं रे, गर्भ खेले आज रात आना रे। राधा को देख के राधा भी हो गई है बावरी, हो जीरे जीरे राधा भी हो गई है बावरी। पूनम की रात में खिले हम डांडिया, साजन तेरे साथ रे, ओ मेरे साजन, साजन तेरे साथ रे। आज रंग भरे रात में राधा को ढूंढ मैं, आना तू गर्भ खेलने आना रे, गर्भ खेलने आज रात आना रे। गोरी जरा पैजनिया झनका, हाँ नाच गोरी नाच, जरा नाच गोरी झूम के नाच। जीरे गोरी जरा पैजनिया झनका, हाँ नाच गोरी नाच, जरा नाच जरा झूम के नाच। तेरी मुरली की धुन से साजन, मैं नाचूं छन छन, तो जोर से बजा जरा रे। तेरी मुरली की धुन से साजन, मैं नाचूं छन छन, तो जोर से बजा। जीरे गोरी जरा बैठिया झनका, हाँ नाच गोरी नाच, और नाच जरा झूम के नाच। जीरे गोरी जरा बैठिया झनका, हाँ नाच गोरी नाच, और नाच जरा झूम के नाच। की नीलामी करते हुए शर्म नहीं होती? तेरे पिताजी जब झात्रा में गए थे तब तेरी जिम्मेदारी मुझे सह के गए थे। उसे जब पता चलेगा कि तू एक मामूली लड़के के साथ प्यार के खेल खेल रही है, तब उसे जवाब क्या दूंगा? जवाब मैं देती हूँ आपको चाचा, आज पूरे गांव के बीच में मैं ये कबूल करती हूँ कि आशा सिर्फ आकाश की ही है। मन से आकाश को मैं अपना बना चुकी हूँ। आशा, मैंने नहीं सोचा था कि तू इतनी हद पार कर देगी। आज तक तूने अपने चाचा का प्यार देखा है, अभी तक उसका क्रोध नहीं देखा है। तुझे अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा, चल। आकाश की हाजिरी में किसी की ताकत नहीं है कि आशा की मर्जी के विरुद्ध उसे कोई ले जा सके। नालायक तेरी ये हिम्मत। रवि, आशा।
चल मेरे साथ बदतमीज छोड़ी। मुझे चाचा मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। आकाश चाचा छोड़ो मुझे। मेरे खानदान की इज्जत की नीलामी कर रही है। चल आकाश छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चाचा छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो चाचा। आकाश छोड़ दो चाचा मुझे। गाड़ी में बैठ, बैठ, चल बैठ। आकाश चल, आकाश अब तेरे पास नहीं है, चल बैठ। चुप कहता हूँ, चुप। ये ड्राइवर गाड़ी चलाओ। बचाओ मुझे। ऐसे ही कोई खेल देखने आता नहीं और तू ऐसा ढीला होकर बैठा रहता है, मैं क्या करूं? अरे मेरा और तेरा दोनों का पेट दो दिन से खाली है, इसमें तेरा भी क्या कसूर? अरे साई बहुत कदरदान, अरे ओ पहलवान, अरे भाइयों, अरे बहनों, अरे छोटे बच्चे आ जाओ और देखो ये शेष नाग के खानदान से सांप आया हुआ है और कलयुग की ठोकर खा के भूखा मरा हुआ सांप है। हम दोनों के भूख की बरोबरी देखो। अरे भाइयों, अरे बहनों, जरा सा ये सांप को दूध पिलाने के लिए दो पैसा दे दो भाई, आपके खजाने में कमी नहीं रहेगी। अरे भाई साहब मदद करो। अरे साहब आप तो दिलदार आदमी लगते हो,
चल भाग यहाँ से। अरे मेरा नसीब। अरे भाई इन इंसानों में तो दया ही नहीं है। अभी तो तू एक ही काम कर, किसी अच्छे के घर में घुस जा तो तेरे दूध का और मेरे दारू का दोनों का बंदोबस्त हो जाए। अरे चल अभी चल। हैं? बेटा साहब ये घर बहुत पैसे वाला लगता है, जा घुस जा घर में, तुझे तेरा खाना मिल जाएगा, मुझे मेरा पीना मिल जाएगा, यानी अपना बेड़ा पार हो जाएगा। अरे अरे फिर से साहब, अरे तेरा कोई काम धंधा है कि नहीं? अरे पूरे शहर में तुझे कोई मिला नहीं जो तू मेरे ही पीछे पड़ जाता है। हाँ हाँ साहब तेरे से डरे वो दूसरे, ये देख डर गया ना, अब इससे तो शेष नाग भी डरेगा। है? ये तो डर के रूम में गया। हाँ कहाँ गया? लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही। हाँ? निकालना तो पड़ेगा ही, भले से इसके लिए सपेरे को बुलाना पड़े। जाता हूँ सपेरे को बुलाता हूँ। इतना बड़ा सांप घर में घुस गया है, कोई सपेरा मिले तो बताऊ। है हाँ मिल गया। सपेरे बाबू। हाँ सपेरा, खानदानी सपेरा हूँ। अच्छा वो तो आपके कपड़ों में समझ में आ रहा है। अभी सपेरे साहब ऐसा हुआ ना कि मेरे घर में इतना बड़ा सांप घुस गया है, वो तो मुझे पता है। क्यों आपने डाला है? नहीं नहीं। तो फिर निकालना है? निकालना है? निकालते हाँ निकालो निकालो। कुछ समझो ना। समझो मतलब कुछ समझ गया। ये मेरा बेटा बहुत चालाक है। लो रखो 5 रुपया रखो। नहीं मुझे कहीं और जाना है। ए भाई बहुत बड़ा सांप नहीं है, रखो ना। नहीं, नहीं मुझे कहीं और जाना है, देर हो रही है मुझे। चलो ये 10 पकड़ो। हाँ मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। ए भाई ओहो खानदानी सपेरा हाँ। लगता है। लो ये 100 की नोट, समझे के नहीं? हाँ। वैसे तो ये दिखाऊंगा तो मर जाएगा हाँ? पर मुझे उसे मार के जीव हत्या का पाप नहीं करना है। हाँ, समझे हाँ, के नहीं? ये तावीज रखते हो आप? हाँ, हाँ। कुछ गड़बड़ लगती है। नहीं नहीं इससे आपको कुछ नहीं होगा, इससे सांप मरते इंसान नहीं मरते। चलो अभी 100 रुपया दिए, चलो हाँ पूछ के साथ जाना चाहिए। हाँ चलो पूरा 100 रुपया दिया है। आइए आइए सपेरे भाई आइए, इस रूम में घुसे और कहीं छुप गया है, अभी आप उसे ढूंढ निकालो। अब भी ढूंढ निकालूंगा, छुपेगा कहाँ? हाँ हाँ पैसा ज्यादा लिया आपने। वो तो मेरा धंधा है। अच्छा ठीक है चलो, बाकी 5-5 रुपए में इतने बड़े निकालते। दूर हटो आप। हाँ हाँ ढूंढो ढूंढो। इतने में ही कहीं होगा, छुप गया है डर के। अरे तेरे जैसे तो कई सांप पकड़ लिए मैंने, चुपचाप बैठ जा टोकरी में। वाह सपेरे वाह, कमाल कर दिया, आखिरकार पकड़ ही लिया। ये तो मेरा धंधा है, पकड़ ही लूंगा ना। अच्छा हुआ पकड़ा, चलो अभी निकलो यहाँ से। अरे इसे पकड़ो, पकड़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत डेंजरस है। नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। अरे सपेरे भाई रुको। अरे नहीं यार, अरे सांप मुझे मार डालेगा, वो मेरा सांप नहीं है भाई, छोड़ दो। अरे मेरी धोती है। अरे क्या कर रहा है? अरे मेरी धोती निकाल दी यार तूने।
इस तरह चुपचाप बैठे रहोगे तो आशा सामने से आकर शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, समझे? और चाचा, हाँ, मुझे तो डर है, हाँ, कि आशा कहीं फिर से भाग ना जाए। अरे रवि, तू चिंता मत कर, आशा मेरे पिंजरे से बाहर आने वाली नहीं है, समझे? सभी जगह मेरे आदमियों की कड़ी नजर है। अब वो धीरे धीरे आकाश को भूल जाएगी और तेरे प्यार में पागल हो जाएगी। फिर भी आपके बड़े भाई यात्रा से वापस आ जाएं, उससे पहले मेरा काम हो जाना चाहिए बस। और अब आज के बाद कोई ऐसा बहाना निकाला ना तो तुम्हारी बर्बादी का कारण मात्र तुम ही हो। रवि, बल से नहीं अकल से काम ले। मेरी चाल से मैं आशा को विश्वास में लूंगा और तेरा और मेरा सारा काम हो जाएगा, समझे? से लड़की भागकर जाएगी कहाँ? आकाश कहाँ गया है, आपको कोई कुछ पता? उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, बहुत दिनों से यहाँ आया ही नहीं है। सुनिए, आपको पता है आकाश कहाँ गया है? बेचारे को जानवर की तरह मार खिलाया और अब आकाश को ढूंढने आई है। हाँ, अब क्या जमाना आया है। मोती, मोती, तुझे तो पता ही होगा कि आकाश कहाँ चला गया। मैं आकाश के बिना रह नहीं सकती मोती, मैं आकाश के बिना नहीं रह सकती। बोल मोती, बोल मोती। अरे तेरी आंख में आंसू, तू तो रो सकता है मगर मैं किसके सामने रो? आकाश के बिना मैं तो अकेली हो गई हूँ। मोती, तुझे आकाश कहीं मिल जाए तो उसे सिर्फ इतना कहना कि आशा, आशा उसकी जिंदगी के आखिरी सांस तक उसका इंतजार करेगी। परदेश जाके
बेटी। हाँ? वियोग की आग में अपने आप को कब तक जलाती रहोगी? हाँ, मामा, मुझे मेरा आकाश नहीं मिलेगा तो मैं रो रो के मर जाऊंगी। बेटी, शायद कुदरत को तुम्हारी प्रेम पूजा मंजूर नहीं होगी। मामा। हाँ बेटी, ये आकाश अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ? शारीरिक बीमारी तो कोई नहीं है, पर मानसिक आघात लगने की वजह से इतनी तो असर हुई है कि कुछ बोल नहीं सकेगी, और कब बोलेगी वो कुछ कह नहीं सकते। तो क्या हमेशा के लिए आशा ऐसे चुपचाप रहेगी? शारीरिक बीमारी का इलाज तो हो सकता है, पर इस मानसिक बीमारी की क्या प्रॉब्लम है वो तो आप ही लोग जान सकते हो। एनीवेज, ज्यादा कुछ तकलीफ हो तो मुझे बुला लेना, बाकी उसकी इच्छा के मुताबिक चलो। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए। Thank you.
करी जाई, क्यों करे मुझसे छेड़खानी। मौसम है मस्तानी, हो रे ओ साजन मेरे मौसम है रंगीली। तेरे ये तिरछे नैना ने मुझको कर दिया देखो गोरी घायल, तेरे छुरे से अंग अंग भर के बाहों में भर ले साजना। हे हे जाने तू सब कुछ फिर भी अनजानापन क्यों, जाने तू सब कुछ फिर भी अनजानापन क्यों, यूं न बने ऐसे भोली भाली। मैम साहब, आपकी हालत में देख नहीं सकता, विरह की आग में आपको इस तरह मैं वो समझ सकता हूं। मैं कुछ भी करके आपकी शादी आकाश के साथ जरूर करवाऊंगा। आप शायद ऐसे सोच रहे होंगे कि घर का एक मामूली नौकर क्या कर सकता है, पर मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मैं जा रहा हूं, पर वापस जब मैं इस घर में आऊंगा तो आकाश के साथ ही। मैं आपको वचन देता हूं, मैं वापस आऊंगा तो आकाश के साथ। अरे ओ भाई इधर आ, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम बिरजू। हाँ बिरजू, हाँ तू मेरे साथ चल। कहाँ? अरे मेरे घर। नहीं भाई अभी तो मुझे जल्दी है, फिर किसी दिन। ए भाई बिरजू, सिर्फ 2 मिनट के लिए तू मेरे साथ चल, उसमें मेरे से ज्यादा तेरा भला छुपा है। मेरा भला? ठीक है, जो मेरा भला होता हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। चलो ले ये 10,000 रुपए। 10,000 किस लिए? हाँ, जहां से तू आया है वहां वापस जाने का, और आकाश को ढूंढने का भूल जा। रवि सेठ, बिरजू की वफादारी को कोई खरीद नहीं सकता। अधिकार है तुम्हारे रुपयों पर, मैं आकाश को कैसे भी ढूंढ निकालूंगा। मुझे लगता है कि मेरे हाथ से ही तेरी मौत लिखी है और अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। Thank you.
रवि, ये बिरजू को क्या हो गया? चाचा, ये बिरजू नहीं, सांप है, सांप। क्या? हाँ? तुझे भी सब जगह सांप दिखने लगे? आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? हाँ। तो रुको चाचा, इधर देखो, आईने में देखो। हाँ? 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 ये तो बिरजू आईने में सांप दिख रहा है। हाँ? रवि, रवि यही सांप मेरा दुश्मन है। हाँ चाचा, हाँ, हाँ, ये तो आपके तावीज ने बचा लिया है। चलो जल्दी चलो, उस तांत्रिक के पास चलते हैं। चलो ये आईना रख देते। इतने दिन तक वो तुम्हारे साथ था, कभी तुम्हें पता नहीं चला? महाराज, आईने में मैंने जब बिरजू को सांप के रूप में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और महाराज मेरे पूरे शरीर में करंट लग गया हो, जैसे मेरा शरीर पूरा कांपने लगा। महाराज, जैसे ही मेरे साथ टकराया ना, वैसे ही वो गिर के बेहोश हो गया। सब इसी का प्रताप है। जय त्रिकोण। वो जरूर कोई इज्जतधारी नाग होगा। मैं अभी अपनी शक्ति से उसे अपने पास में जकड़ लूंगा। कहाँ है वो? महाराज, वो अभी भी बेहोशी की अवस्था में मेरे रूम में पड़ा है। मैंने उसे रूम में बंद करके रखा है। महाराज आप चलो, हमारे साथ चलो। महाराज, अब वो मुझसे नहीं बच सकता। जय त्रिकोण, चलो। ये रहा महाराज जिसको मैंने सांप के रूप में देखा था। ये तो एक इच्छाधारी नाग है, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हट, 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 जय त्रिकोण। ओम रीम कालिकाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम भैरवनाथाय इस सांप को अब इसको जलाई दो बाबू, हाथ धोके मेरे पीछे पड़ा था। मैं इसका मंत्र जब तब करूंगा जब ये मेरे कब्जे में आएगा, उसके बाद मैं पूरी पृथ्वी पे राज करूंगा। जय त्रिकोण। आज तेरी दुआ से ये इच्छाधारी नाग मेरे हाथ में आ गया है। मैं आने वाली अगली नागपंचमी को भैरव पर्वत पे जाऊंगा और इस पे 21,000 मंत्र तंत्र के छाप करूंगा। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरे मंत्र जाप पूरे हो और ये इच्छाधारी नाग संपूर्ण शक्ति के साथ मेरे बस में आ जा। जय त्रिकोण। मेरा बेटा बिरजू राहु के जैसे नल रहा था,
अब शांति हो गई। हाँ अब अपना रास्ता बिल्कुल साफ है। तुम्हारा बड़ा भाई यात्रा से कब आए वो नक्की नहीं, बराबर। और आकाश का कोई पता नहीं, आशा भी इस हालत में विरोध नहीं कर सकती, बराबर। मुझे पता है रवि, मैंने मुहूर्त भी देख ली है। तेरा अगले मंगलवार को आशा के साथ तेरी शादी करवा दूंगा। आशा तो बिचारी बोल नहीं पाएगी, उसे शुभ समाचार तो मुझे ही देना पड़ेगा। हाँ अब कुछ वजनदार बात कही तुमने चाचा, शाबाश। कब तक कसौटी करता रहेगा भगवान, जमाने की ठोकरें खा खा कर मैं भी तेरे जैसा पत्थर बन गया हूं। मैं, मेरी आशा मेरे बगैर कैसे दिन गुजार रही होगी, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी भगवान। मैं आज तक तेरे पास कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगता हूं। एक बार आशा के साथ मुझे मिला दे भगवान। विरह की वेदना कितनी दुखदायक होती है वो तो तू भी समझ सकता है। कहते हैं कि प्रेम के बंधन कभी टूटते नहीं हैं, तो फिर आशा मुझसे दूर क्यों हो गई। अरे प्रेम के बंधन में तो तू भी बंधा हुआ है। राम सीता शंकर और पार्वती, राधा श्याम की जोड़ी प्रेम के अटूट बंधन में बंधी हुई है। फिर भी तू मेरी वेदना क्यों समझ सकता नहीं है भगवान, क्यों नहीं समझ सकता। लाखों बंधन है इस जग में, सबसे निराला जो बंधन प्रीत की डोरी जो बांध गया। लोग कहे इसे प्रेम बंधन, लोग कहे इसे प्रेम बंधन। ड्राइवर गाड़ी रोको जरा। तोड़े से जो टूटे ना कभी, भले आए लाखों आधी। तोड़े से भी जो टूटे ना कभी, सच्चा प्रेम बंधन, कभी सच्चा प्रेम बंधन, कभी सच्चा प्रेम बंधन। वाह आपके मधुर आवाज ने तो पूरे वातावरण को शुद्ध कर दिया। बहुत सुरीली आवाज है आपकी। आपका नाम? मेरा नाम आकाश है भाई। कहाँ रहते हो? आज तो इधर ही हूँ, कल का पता नहीं। पर मुझे पता, तुम्हारे जैसे कलाकार का स्थान कहाँ पे है। आओ मेरे साथ, तुम्हें तो बुखार है। चलो उठो यहाँ से, चलो चलो मेरे साथ, तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। कहाँ? बेटे अब तेरा ये दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा है, जबकि मेरी तो इच्छा थी कि तेरे पिताजी तेरा कन्यादान करे, पर तेरा कन्यादान मेरे हाथों से लिखा है। बेटी पुरानी बातों को भूल जा, अब तो हंसते मुंह रवि का हाथ थाम लेना, तभी तेरे सुखी संसार की शुरुआत होगी। रवि आशा के साथ तेरी शादी तय हुई, उसकी कोई पार्टी नहीं दी? अरे आशा तो मुझ पर कब से फिदा दी, तुमको क्या पता, वो तो मैं भाव नहीं दे रहा था। हाँ। पर उसके पिताजी तो यहाँ पे है नहीं, उसका कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान तो करेगा उसका चाचा। आशा तुझे अंधेरे में धकेला जा रहा है, अब तो कुछ बोल। अरे जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान से लड़ने वाली मेरी सहेली ऐसी गुमसुम हो गई है। दुनिया को साफ साफ बोल दे कि तुझे ये शादी मंजूर नहीं है। आशा बेटी। हाँ? ले बेटी तेरे लिए
तेरे ससुराल से आया हुआ गहना पहन ले बेटी सगुने सुखी। ये तेरा चाचा नहीं है, कसाई है कसाई। वो तुझे बर्बाद करने पे तुला है, पत्थर की मूर्ति बना दिया है तुझे। एक कठपुतली की शादी में जाने से अच्छा सहेली की मातम में जाना ज्यादा पसंद करूंगी। गीत नृत्य और संगीत सहेली में हम विभिन्न कलाकारों को हमेशा शामिल करते हैं, जिन्हें संगीत या संगीत की तालीम ना भी मिली हो अपनी आवाज और गायकी द्वारा मधुर गाने गाते हैं। हम ऐसे आशास्पद कलाकारों को दूरदर्शन द्वारा आपके समक्ष रजू कर रहे हैं। परदेसियों से कभी प्रीत ना लगाना, परदेसियों से कभी प्रीत ना लगाना, प्रीत की बातें भुला जाए ना, परदेसियों से कभी प्रीत ना लगाना, परदेसियों से कभी प्रीत ना लगाना। जाने में प्रीत लगाया मैंने, एक संग दिल से अनजाने में प्रीत लगाया, उसकी झूठी बातों में मैं फंस गया बेचारा, फंस गया बेचारा। वादे इरादे सपने हुए, परदेसियों से कभी प्रीत ना लगाना, परदेसियों से कभी प्रीत ना लगाना। सुखलाल, मैं शहर का कोने कोना छान मारूंगा पर आशा को तो ढूंढ के ही रहूंगा। और ये शादी तो किसी भी हिसाब से होगी ही, और अगर जो ये शादी होने से अटक गई तो शादी के मंडप में केसर कुमकुम के बदले तो तुम्हारे खून के फव्वारे निकलेंगे, समझे? बाप रे, ये तो बहुत गर्म हो गया भाई। Thank you.
आशा, आशा, आकाश, आशा, आशा, आकाश, आशा, आशा, आकाश, आशा, आकाश, तुम कहाँ खो गए थे? तुम्हारे बिना मैं अकेली हो गई थी। तुम्हारी आशा को ऐसे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा आशा, और तेरे बगैर तो मेरी जिंदगी वीरान हो गई है आशा। आकाश, जैसे जैसे चारों ओर अंधकार छा गया था आशा, पर आज आज तू मिल गई है आशा, तो आशा की किरण उठ गई है आशा। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे आशा, कभी भी नहीं। आकाश, पर आशा तुम इस भेष में क्यों? नहीं आकाश, आशा तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी रहेगी। तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में और कोई नहीं है। आकाश, तुम्हें पाने के लिए मैं पूरी दुनिया को ठोकर मार के तुम्हारे पास आई हूँ। चलो आकाश, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाते हैं। चलो। अरे ये तो आशा की गाड़ी है, जरा देखो तो। आज तो इसे नहीं आकाश, चलो भाग जाते हैं। आशा रुक जाओ, आशा रुक जाओ, चलो पीछा करो। वो लोग भाग गए, गाड़ी पीछे लो जल्दी। काय त्रिलोकी भैरवे नमः। ओम रीम रीम कालिकाय त्रिलोकी भैरवे नमः। ओम रीम रीम कालिकाय। अरे खबरदार, जो यहां से भागने की कोशिश की तो दोनों की खोपड़ी उड़ा दूंगा। पकड़ लो इसे, बांधो इसे और लटका दो थार के ऊपर।
हराम खोर, छोड़ दे मुझे, छोड़, छोड़। आकाश। क्यों? शादी के मंडप से भाग गई थी ना? हैं? भले ही तू शादी के चार फेरे मेरे साथ नहीं ली, पर अब अपने इस वारदात हो गई रहेगी। छोड़ दे इसे। ओम कालिके चामुंडा। छोड़ दो, नहीं। नहीं। कमीने। छोड़ दो मुझे। छोड़ दे इसे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दे। मैं छोड़ दे इसे। एक बार मेरे हाथ खोल के देख, मैं तुझे चिंता चला दूंगा। छोड़ दे इसे। छोड़ दे इसे। तू भी देख ले इसे। ओम कालिके चामुंडाय त्रिकाल भैरवी नमः। ओम नाग देवताय भ्यो नमः। नहीं, छोड़ दे इसे। छोड़ दे रामजादे, छोड़ दे इसे। नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे इसे। छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ, छोड़ दे इसे। छोड़, छोड़ दे मुझे। नहीं नहीं आकाश, छोड़ दे मुझे। Thank you.
अरे असली पहचान तो बताओ, हम पे इतना मेहरबानी करने का कारण तो बताओ। मैम साहब, मैंने तुम्हारे पे कोई मेहरबानी नहीं की कि उपकार नहीं किया, मैं तो मैंने सिर्फ फर्ज निभाया है। मुझे तुम्हारे पास कुछ अपेक्षा थी, पर तुम दोनों को खुश देखकर जाने मुझे सब कुछ मिल गया। बस अब मुझे आज्ञा दो। हमें सच्चाई बताए बिना जाओगे तो तुम्हें मेरी कसम। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, तुम्हारे घर पर मामूली नौकर बनकर प्रायश्चित करने के लिए रुका हूँ, क्योंकि मेरी प्रेमिका सरजू ने एक बहुत बड़ा अपराध किया था। उसकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उसकी बेटी का जीवन सुखी करेगा, पूरे तरीके से सुखी करेगा, और उसको मंदिर में लाकर उस बेटी की परछाई इस नागिन पर पड़े तो ही तू तेरी सरजू को वापस पा सकता है। हे भगवान, ये तुम्हारा कैसा इंसाफ। मुझे पता था कि हकीकत जाने के बाद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं। रुक जाओ, सरजू ने भयानक अपराध किया है, ऐसा ही आपका बड़ा उपकार हम पर है। सरजू की गलती का परिणाम अब आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। चलो, मैं अपनी खुशी से मंदिर आने को तैयार हूँ। बड़ा उपकार किया है, इस उपकार का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। बस अब हमें आज्ञा दीजिए, आप हमारे साथ रहोगे तो हमें बहुत आनंद होगा। हम नाग नागिन, हमारा वास तो जंगल में होगा, फिर भी हमारे जीवन में कभी आपको जरूर पड़े तो यहां आकर हम दोनों के नाम में से किसी भी नाम से आवाज लगाना, हम हाजिर हो जाएंगे। नाग देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। Thank you.
तेरा आंचल को और बोले तेहू तेहू अरे गोरी नाचे छनन छनन तेरी झांझर जब जब झनके मेरा दिल ये धक धक धड़के ओ मेरी दामिनी रुकवंती कामनी तू मुझको क्यों बहका धीरे 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 बीन तू बजा ओ साजन धीरे धीरे बीन तू बजा धीरे 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 बीन तू बजा धीरे धीरे, धीरे, धीरे